तो चलिए नमस्कार, ये छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी खास महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हैं और एक नई वीडियो पे काफी सारी नई चीजें आज की इस वीडियो पे आप लोगों को देखने जानने को मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश, अगर आप नहीं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए छत्तीसगढ़ व छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली तिहार के मौके पर कृषि कार्य आसान बनाने वाले दो तरह के कृषि यंत्रों की लॉन्चिंग की है। कृषि प्रदर्शनी में पशु चलित बैटरी ऑपरेटर, कल्टीवेटर और प्लांटर को लॉन्च। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को कृषि कार्य में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी, साथ ही लागत में भी कमी आएगी। दूसरी ओर बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर के उपयोग से पशुओं पर भी बोझ कम पड़ेगा। बैटरी सह मोटर के उपयोग में मवेशियों को यंत्र को खींचने में कम बल लगता है, जिससे मवेशियों को थकान कम लगेगी। इस यंत्र से मवेशियों को कम बल लगाना पड़ेगा तो वहीं कृषक भी सीट पर बैठकर आसानी से पूरे यंत्र को संचालित कर सकता है। इस पूरे यंत्र की लागत करीब 55 से 60 हज़ार रुपये बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सब्सिडी पर किसानों को यंत्र देने की बात भी कही है। खैर, इससे जुड़ी आने वाले समय पर जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं जसपुर नगर की खबर आप लोगों को बता के चलते हैं। जसपुर जिले में दूरस्थ अंचल के किसान अपने खेतों में साग सब्जी के साथ चाय, काजू, मिर्च, टमाटर, आलू और नाशपाती की अच्छी खेती करती हैं। बगीचा विकास खंड क्षेत्र के पठारी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर नाशपाती की पैदावार हो रही है और किसानों इससे अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में किसानों को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और किसान आर्थिक रूप से संपन्न बने, इसके लिए कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग के द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है ताकि जिले के किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कर सकें। और हरेली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एग्रीकल्चर ड्रोन का भी शुभारंभ किए। तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का कहना यह भी है कि यह ड्रोन किस तरह से मिलेगा किसानों को। तो देखिए, अब तक की जो कि खबर या जानकारी सामने आया है तो यह व्यवस्था ग्राम के गोठानों पर रहेगा। आप किराए से इस ड्रोन को ले सकते हैं और कुछ घंटे आप चलाकर उसका जो भी किराया बैठता है वो पेमेंट आपको करना रहता है, ठीक है। और इस तरह से आप ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल खरीदी बिक्री को लेकर कोई जानकारी नहीं है, आप किराए पर ले सकते हैं गोठानों से। अब कितने और कौन कौन से गोठानों पर यह ड्रोन की व्यवस्था होगा किसानों के लिए, इस पर भी जानकारी अभी आनी बाकी है। जो भी खबर या अपडेट आएगा भविष्य में, पल पल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। और आप लोग को बताना चाहेंगे सीजनिया योजना ऑल अपडेट एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को पल पल की अपडेट जानकारियां मिलती रहती है। तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और जिन भाई लोगों ने पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है वो अपडेट कर लीजिएगा, नया अपडेट एप्लीकेशन पर भी आ गया है। किसान भाई, आप भी अपना विचार और राय नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर से बताते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां खुद सरकार गोमूत्र की खरीदी करती है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने हरेली तिहार के दिन इस योजना का शुभारंभ किए। इस योजना के तहत सरकार हितग्राहियों से 4 प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदी कर रही है। इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं गोमूत्र खरीदी में कवर्धा जिले ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा जिले में गोमूत्र की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां 307 लीटर गोमूत्र की खरीदी की गई है। तो ओके भाई, चलिए इस तरह से कुछ खास महत्वपूर्ण खबर अपडेट थे जो कि आज की वीडियो में जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर करी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।